हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज है फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, शेड्यूल बिजी होने की वजह से हमारी क्लास कल नहीं हो पाई थी। हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, सभी को वीडियो का साउंड और वीडियो की विजिबिलिटी क्लियर है, क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। वीडियो की साउंड और वीडियो की विजिबिलिटी सभी को क्लियर है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जनरल साइंस की हमारी 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 11, हाँ जी, स्टार्ट हो चुका है। कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स एक बार, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी को वीडियो की विजिबिलिटी क्लियर है, फिर क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स, शेड्यूल बिजी होने की वजह से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारा कौन सा रहेगा, ये 301 क्वेश्चन, 301 क्वेश्चन। द डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स, जो आपका डिवाइस यूज किया जाता है एक्सेलरेट करने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है। उस डिवाइस को कहा जाता है बेसिकली साइक्लोट्रॉन। वो आपका डिवाइस क्या कहलाता है फ्रेंड्स, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। हाँ जी, कोई डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हो। डिवाइस यूज टू एक्सलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या फिर आयंस कह लीजिए साइक्लोट्रॉन। यहाँ पर जो आपको सेकेंड ऑप्शन दे रखा है साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन क्या होता है फ्रेंड्स, साइटोट्रॉन ये आर्टरी की डिसीज, जो आपका एक ऐसा डिवाइस है, ये आपका जो आपकी पेरिफेरल आर्टरी होते हैं ना उससे रिलेटेड डिसीज, और उसको ट्रीट करने में यूज किया जाता है साइटोट्रोन। बात अगर करें थर्ड ऑप्शन कैलोरी मीटर की, बात अगर यहां पर करूं मैं थर्ड ऑप्शन, दैट इज आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, यहां पर आपको दे रखा है कैलोरी मीटर। तो डिवाइस जिसके थ्रू आप हीट की अमाउंट को मेजर करते हो, वो डिवाइस जिसके थ्रू आप मेजर करते हो हीट की अमाउंट को, दैट इज योर कैलोरी मीटर, दैट इज योर कैलोरी मीटर। तो यहां पर कैलोरी मीटर क्या होगा, जो आपकी हीट की अमाउंट को मेजर करता है। हाँ जी, कोई डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हो आप। कैलिपर्स, कैलिपर्स भी देख लेते हैं, जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ना, डिवाइस थ्रू विच एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड। देखिए कैलिपर्स क्या होता है, आपका कोई भी सिलेंड्रिकल टाइप आपकी ऑब्जेक्ट होगी ना, सिलेंड्रिकल टाइप ऑब्जेक्ट आपकी होगी, तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए कैलिपर्स को यूज किया जाता है। हाँ जी, कोई डाउट है फ्रेंड्स बता सकते हैं, कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिए फ्रेंड्स। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो लाइव देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 301 का राइट आंसर क्या होगा, 301 का राइट आंसर वन ही हो जाएगा, ऑप्शन वन इज करेक्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। हाँ जी धनंजय कुमार जी, हाँ जी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी गुड इवनिंग एमडी इम्तियाज जी, गुड इवनिंग। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, पीछे कुछ दिनों से क्लासेस प्रॉपरली शेड्यूल से नहीं आ पा रही थी, और कल भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, बट जो हमारे क्वेश्चंस है 301 तक हमारे कवर हो चुके हैं, 2000 क्वेश्चंस हमने पूरे करने हैं। चलिए देखिए, द डिवाइस यूज टू मेजर द थर्मल रेडिएशन, अगर आपको थर्मल रेडिएशन को मेजर करना है, अगर क्या मेजर करना है फ्रेंड्स, अगर थर्मल रेडिएशन को मेजर करना है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है बोलोमीटर। हां जी रुपेश राठौर जी, क्या पूछना चाहते हैं, ऐप नहीं चल रहा है आपका। देखिए जो आपका डिवाइस है जो थर्मल रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, डिवाइस यूज टू मेजर द थर्मल रेडिएशन, वो आपका क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है बोलोमीटर, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बोलोमीटर। 302 का वन आंसर होगा, 302 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 302 का राइट आंसर क्या होगा, बोलोमीटर। एक बार फ्रेंड्स मैं अकेडमी की तरफ से ऐप को चेक करवा दूंगा, रुपेश जी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ऐप में एक बार मैं चेक करा दूंगा, उसके बाद आप रिफ्रेश करके आप अपना स्टार्ट कर लीजिएगा, आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आपकी साइंस की एसएससी साइंस के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। चलिए देखिए अब, द डिवाइस इसका क्या बताया, बोलोमीटर। देखिए बैरोग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर,
बैरोग्राफ क्या होता है? डिवाइस यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो आपका डिवाइस तैयार किया जाता है, और बेसिकली ये ऑटोग्राफिक्स पर बेस्ड होता है। यूज टू फोकस ऑन ऑटोग्राफिक्स, उसका ग्राफ बनाने पर मेजर रहता है, तो इसका फोकस रहता है, तो ये हो जाएगा आपका बैरोग्राफ। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर को मीजर करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को मीजर करता है। बैरोग्राफ में उसका ग्राफिक्स पर उसका मेन फोकस रहता है, बट यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर को मीजर किया जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पर बैरोमीटर इसका हो जाएगा। और बोरोमीटर, बोरोमीटर आपका कोई डिवाइस नहीं होता फ्रेंड्स, बोरोमीटर नाम का आपका कोई डिवाइस होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिवाइस थ्रू विच इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डायग्नोज, वो डिवाइस जिसके थ्रू ह्यूमन पार्ट, जिसके थ्रू इनर पार्ट, ह्यूमन बॉडी के इनर पार्ट को डायग्नोज किया जाता है, उसकी अच्छे से स्टडी किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? हाँ जी फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है एंडोस्कोप। द डिवाइस थ्रू विच इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डायग्नोज, उसे कहा जाता है एंडोस्कोप। 303 का वन आंसर होगा, 303 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वन होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी सभी बच्चों को वीडियो की क्लियरिटी, सभी को सभी साउंड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार बता दीजिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्कोप की भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप आपका एक ऐसा डिवाइस होता है दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के होने की होना कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, इस चीज़ की कंफर्मेशन करता है, वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्कोप। उसे क्या कहा जाता है? वो आपका डिवाइस क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पर एस्केलेटर दिया हुआ है, एस्केलेटर, तो आपका यहाँ पर आपका एस्केलेटर, मूविंग मैकेनिकल लेडर, जो आपने मॉल वगैरह में देखे होंगे, मॉल वगैरह में आपने देखे होंगे, तो आपके क्या रहते हैं? ये मूविंग मैकेनिकल लेडर्स रहते हैं, आपकी सीढ़ियाँ कह सकते हो जो मूव कर रही है, आपकी मूविंग लेडर्स होती है, एस्केलेटर आप सबने देखा होगा। हाँ जी, एम डी इम्तियाज जी, हाँ जी बताइए क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? एम डी इम्तियाज जी, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? जो भी आपकी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कमेंट में मेंशन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इक्विपमेंट जो यूज किया जाता है माइक्रो सब्सटेंस का एनालाइज करने में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो यूज किया जाता है माइक्रो सब्सटेंस को एनालाइज करने में, तो वो आपका क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रो, हाँ जी फ्रेंड्स, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है माइक्रो सब्सटेंस को एनालाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सीज एंड ओशियंस, जो समुद्र, समुद्र की गहराई को, समुद्र और ये जो ओशियंस महासागर जितने भी होते हैं आपके, इनकी गहराई को मेजर करने के लिए किस तरह के डिवाइस को यूज किया जाता है? किस तरह के डिवाइस को यूज किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैदोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? फैदोमीटर। फैदोमीटर यूज किया जाता है समुद्र की गहराई, समुद्र की और महासागरों की गहराई को मापने के लिए, किसका यूज करते हैं? फैदोमीटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो माइक्रो सब्सटेंस को एनालाइज करता है, सेकेंड ऑप्शन। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एंडोस्कोप क्या करता है? इनर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी उसको डायग्नोज करता है। हाइग्रोमीटर, यहाँ पर एक नया टर्म मिला है फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है फ्रेंड्स? पानी की आर्द्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। द डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइटर प्लेन्स। फाइटर प्लेन्स की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए किसे यूज किया जाता है फ्रेंड्स? कौन सा डिवाइस मेजर करता है? तो वो आपका होता है रडार। वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स? रडार यूज किया जाता है। रडार, 304 का, 304 का वन होगा, 304 का। हाँ जी सौरभ जी, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। डेप्थ मेजर करने के लिए फैदोमीटर को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 305 का राइट आंसर क्या होगा? रडार। रडार यूज किया जाता है आपका मेजर करने के लिए स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, जो आपके फार कमिंग एयरक्राफ्ट जो बहुत दूर से आ रहे हैं, या फाइटर प्लेन्स हो गए, उनके लिए यूज किया जाता है, उनकी डायरेक्शन और स्पीड को पता करने के लिए।
यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर आपको रेडियोमीटर दिया हुआ है। रेडियोमीटर क्या करता है? थर्मल रेडिएशन को मेजर करता है। रेडियोमीटर का काम क्या होता है? यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है रेडियोमीटर, तो रेडियोमीटर का काम होता है थर्मल रेडिएशन को मेजर करना। द डिवाइस यूज टू मेजर द थर्मल रेडिएशन, वो आपका रेडियो रेडियोमीटर होता है। रेडिएटर आपको दे रखा है, रेडिएटर, रेडिएटर का क्या काम होता है? रेडिएटर देखिए, डिवाइस यूज टू कूल द इंजन ऑफ व्हीकल्स। आपने आपकी गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है, आपकी गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है, जो आपके जहाँ से आपकी एयर ब्लो करती है। एयर ब्लो ये बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? आपके इंजन्स को, जो आपका आपके व्हीकल का जो इंजन है उसे कूल करने के पर्पसेस से यूज किया जाता है रेडिएटर। और आपका रेडियो माइक्रोमीटर दिया हुआ है, रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर देखिए, फ्रेंड्स आपका रेडियो माइक्रोमीटर कोई भी ऐसा डिवाइस, रेडियो माइक्रोमीटर मीजर करता है। ये भी आपका थर्मल रेडिएशन को मीजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर भी बेसिकली आपका थर्मल रेडिएशन को मीजर करने के लिए ही किया जाता है। तो 305 का वन आंसर होगा, 305 का वन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिवाइस यूज इन एयरक्राफ्ट थ्रू विच स्पीड ऑफ एयर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। वो डिवाइस आपको बताना है जो एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो एयर की जो स्पीड है उसे साउंड ऑफ स्पीड की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। एयर की स्पीड को, ऐसा डिवाइस एयरक्राफ्ट के अंदर जिसमें हवा की स्पीड को साउंड की स्पीड की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मैक मीटर कहलाता है। वन आंसर इसका रहेगा आपको। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको डेटा, डेटा सारा का सारा, जो भी आपको पेड कोर्स परचेज करने के लिए चाहिए आपको डेटा मिल जाएगा। रुपेश राठौर जी आपके लिए बता रहा हूँ। हाँ जी रुपेश राठौर जी, किस फील्ड के लिए कोर्स खरीदना चाहेंगे आप अपना वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन आपको जो भी परचेज करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए, मैक मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने का काम करता है। मैनोमीटर का काम होता है प्रेशर को मेजर करना। जो आपका माइक्रोफोन, यहाँ पर क्या दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या काम करता है? ये आपका साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये आपका साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये आपका माइक्रोफोन का काम होता है। यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर दे रखा है। माइक्रोमीटर आपका देखिए, माइक्रोमीटर मिलीमीटर के 1000 पार्ट को कैलकुलेट करता है। माइक्रो, माइक्रो मतलब 10^-6, 10^-6 मीटर, ये आपका माइक्रोमीटर है। और मिलीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर 10^-3 मीटर होता है। तो मिलीमीटर के भी हजारवें हिस्से को अगर आप मेजर करना चाहते हो, मिलीमीटर के हजारवें हिस्से को भी अगर आप मेजर करना चाहते हो, तो वो आप किसके थ्रू? माइक्रोमीटर के थ्रू आप मेजर करोगे। वो आप किसके थ्रू मेजर करोगे? माइक्रोमीटर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक मीटर। मैक मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 306 का राइट आंसर क्या होगा? 306 का राइट आंसर होगा मैक मीटर। वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिवाइस यूज टू रेगुलेट द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किस तक कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आप पढ़ते आ रहे हैं। एसी वोल्टेज, जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है फ्रेंड्स, उसकी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर। डिवाइस, या तो आप एसी वोल्टेज को हाई करते हो या लो, हाई या लो करना, रेगुलेट करना, द डिवाइस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर। तो इसका वन आंसर होगा। 307 का भी क्या हो जाएगा? वन आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। टेलीमीटर दे रखा है। टेलीमीटर क्या करता है? टेलीमीटर डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड और मेजर द डिस्टेंट इवेंट एंड रिले द डेटा टू द रिसीवर। मतलब क्या करेगा? ये रिकॉर्ड को यूज करेगा। रिकॉर्ड को क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा, ये डिवाइस है जो रिकॉर्ड करेगा आपका फ्रेंड्स बेसिकली। और क्या करेगा? मीजर करेगा डिस्टेंट इवेंट को, दूर की चीजों की, दूर की जो इवेंट हो रही है उन्हें मीजर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और क्या करेगा? रिसीवर के पास भेज देगा। रिले द डाटा टू द रिसीवर, ये टेलीमीटर का काम होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या काम करता है? ये ऐसा डिवाइस है जो आपकी एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करता है। टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है
जो आपकी एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है उसे मेजर करने का काम करता है। एक टैली प्रिंटर दे रखा है यहाँ पर, टैली प्रिंटर। तो टैली प्रिंटर का काम क्या होता है, डिवाइस यूज्ड फॉर रिसीविंग टेलीग्राफिक मैसेजेस एंड ऑटो और मेजर द डिस्टेंट इवेंट। ये भी आपका क्या करता है फ्रेंड्स, रिसीव करेगा टेलीग्राफिक मैसेजेस को ऑटो खुद ब खुद, या फिर डिस्टेंट इवेंट को मेजर करेगा और रिसीवर के पास भेज देगा। हाँ जी आदित्य जी, कमेंट सीन कर रहा हूं मैं, कमेंट सीन कर रहा हूं, जो भी प्रॉब्लम है बताइए। 307 का बिल्कुल वन आंसर होगा, बाकी ऑप्शन भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बाकी ऑप्शन भी मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, कमेंट्स में सभी के पढ़ रहा हूं। हाँ जी आदित्य जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, कमेंट में सभी के देख रहा हूं फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम आ सकती है आप साथ के साथ पूछते रहिए। ट्रांसफॉर्मर इसका राइट आंसर होगा। द डिवाइस यूज टू लिसन द वाइब्रेशन ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, जो आपके हार्ट और लंग्स की वाइब्रेशन को लिसन करने का काम, सुनने का काम करता है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्ट की जो वाइब्रेशंस है, हार्ट बीट की वाइब्रेशंस सुनना चाहते हैं तो क्या डॉक्टर जो यूज करते हैं स्थेथोस्कोप, स्थेथोस्कोप के थ्रू आपकी वाइब्रेशन को, स्टेथोस्कोप के थ्रू आपके हार्ट की वाइब्रेशन को, लंग्स की वाइब्रेशन को सुना जाता है, जो डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगाकर आपकी वाइब्रेशंस को सुनता है। तो वन इसका राइट आंसर होगा, 301। हाँ जी सैयद जुहेर जी, नाम ले रहा हूँ आपका, सैयद जी आपका भी नाम ले रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, स्टेथोस्कोप यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आपका स्फेरोमीटर आपको दे रखा है, स्फीरोमीटर दे रखा है। देखिए फोर्थ ऑप्शन, स्फीरोमीटर क्या होता है, स्फीरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कर्वेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। स्फीयर का मतलब क्या हुआ, स्फीयर आपका सर्कल इन थ्री डायमेंशन, सर्कल इन 3D, वो आपका स्फीयर बनता है। तो आपका स्फेरोमीटर कर्वेचर, कर्व कितना है, कितना कर्वेचर है, उसे मेजर करने के लिए स्फीरोमीटर का यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पर आपसे स्पेक्ट्रोस्कोप दिया है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और आपका जो स्टीरोस्कोप होता है, स्कीरोस्कोप, ये क्या किया यूज करते हैं, टू डायमेंशनल फोटोग्राफ का स्केच ड्रॉ करने में यूज किया जाता है। टू डायमेंशनल फोटोग्राफ, दो डायमेंशनल फोटोग्राफ है उसका स्केच ड्रॉ करने के लिए स्टीरोस्कोप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वन होगा, कोई डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हो। 308, 309 तक अभी पहुंचे नहीं है। हाँ जी सहीर खान जी, आपके लिए बता रहा हूँ, 309 तक पहुंचे नहीं है अभी, 308 क्वेश्चन पर है। और क्वेश्चन का नंबर डालकर फिर आंसर दे, क्वेश्चन का नंबर डालकर उसके बाद आंसर दे फ्रेंड्स। चलिए, द डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट आपका बेसिकली डिस्चार्ज होता है, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट, या फिर आप कह सकते हो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पाइप से, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये आपकी एक पाइप है, किसी पर्टिकुलर पाइप से आपका क्या होगा, ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, तो डिस्चार्ज एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी कितनी है फ्लूड की, तो वो आपका डिस्चार्ज निकल कर आता है। वो क्या निकल कर आता है फ्रेंड्स, देखिए कुछ भी नहीं बता सकते यार, RRBJEE की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, अभी इसके लिए कोई भी श्योरिटी कुछ नहीं बता सकते, RRBJEE के लिए कोई श्योरिटी नहीं है अभी कि कब उसकी क्लासेस होंगी। अगर आपको क्वेश्चंस की PDF चाहिए, क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं, तो ये मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, इस नंबर पर आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इस नंबर पर मैसेज कर आप PDF ले सकते हो। तो यहाँ पर जो वेंचुरी मीटर होता है ना, वेंचुरी मीटर, वो डिस्चार्ज मेजर करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर, ये बेस्ड होता है आपका बर्नौली इक्वेशन पर, बर्नौली इक्वेशन पेपर में पूछी जाती है, आपके साइंस के एग्जाम में, आपके SSC में या NTPC के एग्जाम में पूछते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, तीनों का जो सम होगा वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वो तीनों का जो सम होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो यही आपकी बर्नौली इक्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, इनका सम कांस्टेंट रहता है, और इसी के ऊपर वेंचुरी मीटर डिजाइन होता है, इसी के ऊपर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, वेंचुरी मीटर को डिजाइन किया जाता है। हाँ जी कोई भी डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको विस्कोमीटर दे रखा है, विस्कोमीटर कैसा इक्विपमेंट है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करता है, लिक्विड की विस्कोसिटी, देखिए सॉलिड के केस में फ्रिक्शन आता है, सॉलिड के केस में फ्रिक्शन रोल प्ले करता है, लेकिन
आपका फ्लूड के केस में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसके लिए स्पेशल नाम दिखाया गया है। उसके लिए आपका स्पेशल नाम क्या है? विस्कोसिटी। उसके लिए स्पेशल नाम क्या रहेगा? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को मेजर करने का काम करता है विस्कोमीटर। विस्कोसिटी को मेजर करने का काम विस्कोमीटर। वॉट मीटर क्या है? जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करता है, वो आपका क्या रहता है? वो आपका वॉट मीटर रहता है। हाँ जी शहीद खान जी, मशीन डिजाइन पढ़ना चाहते हैं? मशीन डिजाइन की जो क्लास मैंने रखी है वो आपकी हाइड्रोलिक मशीन के बाद, हाइड्रोलिक मशीन के बाद एक मशीन डिजाइन पर मैराथन क्लास होगी। हाइड्रोलिक मशीन के बाद मशीन डिजाइन पर एक मैराथन क्लास होगी, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। सुबह 9:20 पर गेट की क्लास चलती है आपकी, गेट और आईएएस की। सुबह 9:20 पर लाइव आ जाइएगा अगर आप गेट और आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और 10:30 पर आपकी जेई की क्लास होती है। तो यहाँ पर वेव मीटर भी आपको ऑप्शन दिया है। वेव मीटर क्या करता है? एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू रेडियो वेव की वेवलेंथ को मीजर किया जाता है। रेडियो वेव की वेवलेंथ को मीजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है वेव मीटर। यहाँ पर सही आंसर होगा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिवाइस, अब यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। द डिवाइस यूज टू मेजर द डिवाइस यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ को अगर मेजर करना चाहते हो तो वो डिवाइस आपका क्या कहलाएगा? वो डिवाइस आपका वेव मीटर कहलाएगा। वो डिवाइस आपका बेसिकली क्या कहलाएगा? वेव मीटर कहलाएगा। तो वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 310 का वन आंसर होगा। कोई डाउट है फ्रेंड्स, साथ के साथ पूछ सकते हो। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं साथ के साथ पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपको। चलिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रास। अगर आप ग्रास की स्टडी करते हो, ग्रास की अगर आप स्टडी करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? उसे क्या कहा जाएगा? एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी कह लीजिए, या फिर आप ग्रेमिनोलॉजी कह सकते हो। ग्रेमिनोलॉजी भी कह सकते हो आप ग्रास की स्टडी को, ग्रेमिनोलॉजी। दोनों में से कोई भी टर्म आप डिस्कस कर सकते हो, एग्रोस्टोलॉजी या फिर ग्रेमिनोलॉजी। दोनों की दोनों आपकी ग्रास की स्टडी होती है। जो आपकी एनाटोमी दे रखी है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एनाटोमी। एनाटोमी क्या होती है? जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर, जो प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर को डील करती है, वो साइंस जो डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसे कहा जाता है एनाटोमी। उसे क्या कहा जाता है? एनाटोमी। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है एंथोलॉजी। थर्ड ऑप्शन एंथोलॉजी है। फ्लावर्स की स्टडी को एंथोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एंथोलॉजी क्या होती है? फ्लावर्स की स्टडी को। एंथोलॉजी देखिए यहां पर क्या एंथोलॉजी, आपको फ्लावर की स्टडी। देखिए आपको बुक मिलेगा या नहीं इसके बारे में मैं कोई श्योरिटी नहीं देख सकता, इसके बारे में मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। हाँ जी मनीष सिंह जी, हाइड्रोलिक मशीन का जो लेक्चर होगा, जहाँ तक है बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी। मनीष सिंह जी, हाइड्रोलिक मशीन सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी। सुबह 9 बजे आपकी हाइड्रोलिक मशीन की क्लास स्टार्ट होगी संडे को। देखिए एंथोलॉजी आपकी क्या होती है? फ्लावर्स की स्टडी। और यहाँ पर आपको ब्रायोलॉजी वर्ड दे रखा है, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो प्लांट की एक कैटेगरी होती है ना, प्लांट की एक कैटेगरी, ब्रायोफाइट्स, उसकी स्टडी को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा वन। 311 का वन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय, इंसुलिन ने, इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी? इंसुलिन की डिस्कवरी आपकी की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। देखिए यहां पर पूछा गया इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा वन, बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। जो वॉटसन एंड क्रिक है, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी स्टडी की थी। यहाँ पर होपकिंस दे रखा है, होपकिंस ने डिस्कवरी की थी वाइटामिन्स की। होपकिंस ने किसकी डिस्कवरी की थी? होपकिंस ने डिस्कवरी की थी वाइटामिन्स की। और रॉबर्ट कोच, यहां पर आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स? एक ऑप्शन में आपको दे रखा है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने जो टीबी बैक्टीरिया, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, उसकी रिसर्च की थी। तो यहां पर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया का डिस्कवर, यहां पर इंसुलिन किसने डिस्कवर किया? बेंटिंग एंड बेस्ट। वन आंसर इज द राइट आंसर 312 का, वन एंड बेंटिंग एंड बेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? फ्रूट्स
फ्रूट्स की स्टडी को कहा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बेसिकली फ्रूट्स। फ्रूट्स की स्टडी आपकी क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? पोमोलॉजी कहलाएगी। हाँ जी, बोटनी की वो ब्रांच, बोटनी की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हो फ्रूट्स को। फ्रूट्स को बोटनी क्या है फ्रेंड्स? बोटनी, बोटनी आपका वनस्पति शास्त्र जिसमें ये प्लांट्स वगैरह की स्टडी की जाती है। आपकी जो बायोलॉजी है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। बायोलॉजी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपकी जूलॉजी, एक आपकी जूलॉजी और एक आपकी बोटनी। जूलॉजी में आप एनिमल्स की स्टडी करते हो और आपकी बोटनी में आप प्लांट्स वगैरह की स्टडी करते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पोमोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पर पैलियंटोलॉजी आपको दे रखा है। पैलियंटोलॉजी क्या होती है? पैलियंटोलॉजी बोटनी की वो ब्रांच जो फॉसिल प्लांट्स की स्टडी करती है। बोटनी की वो ब्रांच, बोटनी वनस्पति शास्त्र है कि जो जो भी प्लांट, गले सड़े पौधे नीचे दब जाते हैं ना, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, उनके फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, तो उनकी स्टडी को पैलियंटो फ्रेंड्स, उनकी उसकी स्टडी को पैलियंटो बोटनी कहा जाता है। पैलियंटो बोटनी कहा जाता है उसकी स्टडी को। और यहाँ पर पैलियंटोलॉजी दे रखा है। पैलियंटोलॉजी सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स की स्टडी होगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉसिल की स्टडी कर रहे हो तो पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। और अगर पैलियंटो, अगर आप पैलियंटो, यहां पर आपको पैलियंटोलॉजी दे रखा है तो फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल की। एग्रेस्टोलॉजी आपको दे रखा है। एग्रेस्टोलॉजी ये क्या थी? स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास की स्टडी को आप क्या कह सकते हो? एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑस्टियोलॉजी क्या होता है आपका? ऑस्टियोलॉजी बेसिकली, फ्रेंड्स अभी ऑस्टियोलॉजी मेरे माइंड में नहीं है, जैसे ही आपके लिए मेरे माइंड में आएगा मैं आपको ऑस्टियोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि ऑस्टियोलॉजी में हम किस पार्ट की स्टडी करते हैं बेसिकली। अभी इसको स्किप कर दीजिए। ऑस्टियोलॉजी के बारे में मैं आपको एक बार चेक करके बताऊंगा कि ऑस्टियोलॉजी में किस चीज की स्टडी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं अभी नहीं बता सकता आपको, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आप पेड कोर्स ऐप पे चलते हैं आपके ऐप में, तो आप शायद फोन पर ही देख पाएंगे, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आदित्य सन्याल जी, स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड की स्टडी क्या कहलाती है? बर्ड की स्टडी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स? ऑर्निथोलॉजी आपकी होती है स्टडी ऑफ बर्ड। और हाँ जी, ऑस्टियोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ, जूलॉजी की वो ब्रांच है, जूलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप बोनी स्ट्रक्चर या फिर और स्केल्टन सिस्टम्स की स्टडी करते हो। एनिमल्स का जो स्केल्टन सिस्टम है ना, एनिमल का जो स्केल्टन सिस्टम है या उनके बोनी स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी की जाती है ऑस्टियोलॉजी के अंदर। हाँ जी, ऑस्टियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है एनिमल्स के स्केल्टन सिस्टम की और बोनी स्ट्रक्चर की। आपकी ओडेंटोग्राफी दे रखा है। ओडेंटोग्राफी साइंटिफिक स्टडी है आपकी टीथ की। टीथ की साइंटिफिक स्टडी को ओडेंटोग्राफी कहा जाता है मेडिकल साइंस के अंदर। मेडिकल साइंस के अंदर तो ओडेंटोग्राफी आपकी टीथ की स्टडी हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर थ्री होगा, यहाँ पर राइट आंसर थ्री होगा बिल्कुल। स्टडी ऑफ बोन्स, हाँ जी, स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्केल्टन सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्केल्टन सिस्टम आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। 314 हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। 315 देखिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगर आप इंसेक्ट की स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एक बार बता दीजिए सभी बच्चों को, वीडियो क्लियर है? हाँ जी, एक बार बता दीजिए फ्रेंड्स, सभी बच्चों को आवाज क्लियर हो रही है? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो यहां पर राइट आंसर देखिए, आवाज आ रही है सभी को? चलिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आपकी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपकी क्या लाएगी? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहलाएगी एंटोमोलॉजी। यहाँ पर एनाटोमी मैं आपको बता चुका हूँ। एनाटोमी आपका क्या होता है? जो एनिमल्स और प्लांट्स के स्ट्रक्चर को डील करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के स्ट्रक्चर को जो डील करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? एनाटोमी कहलाती है। एंथ्रोपोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, एंथ्रोपोलॉजी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर आ जाता है तो उसकी स्टडी और ट्रीटमेंट, इसका राइट आंसर बताइए क्या कहला जाता है, न्यूरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या मायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर आता है उसका ट्रीटमेंट या फिर आप उसकी स्टडी करते हो तो ये क्या कहलाता है, ये आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजी कहलाता है। वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूरोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, न्यूरोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूरोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, इनकी स्टडी को, इन्हीं की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आपका मायोलॉजी बता देता हूँ, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जिसके अंदर आपका, जिसके अंदर आपके डिसीज वगैरह, फंक्शन ऑफ डिसीज ऑफ मसल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब स्टडी किया जाता है उसे कहा जाता है मायोलॉजी। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं मायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर कौन थे फ्रेंड्स, जूलॉजी के फादर कहा जाता है अरस्तू को। अरस्तू को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अरस्तू ही आपका फादर ऑफ जूलॉजी कहलाता है। तो 307 का वन आंसर हो जाएगा, 307 का क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 307 का वन आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हो। फादर ऑफ जूलॉजी क्या कहेगा, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तू को कहा जाता है। यहां पर देखिए हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फादर ऑफ मेडिसिन। यहां पर आपका जी जे मेंडल दे रखा है, जी जे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स आपका जी जे मेंडल। हाँ जी, सभी ध्यान रखिएगा, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो डब्ल्यू बैटसन है, डब्ल्यू बैटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। तो आपकी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके फादर कहा जाता है डब्ल्यू बैटसन को। कोई डाउट है फ्रेंड्स यहां तक पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दे, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का फादर भी आपके अरस्तू, अरस्तू को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी के फादर या फिर बायोलॉजी के फादर, दोनों के फादर कौन रहेंगे आपके, अरस्तू रहेंगे। दोनों का फादर कौन रहेंगे फ्रेंड्स, दोनों के फादर अरस्तू ही रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीडीएफ के लिए मैंने नंबर शेयर कर दिया है, पीडीएफ के लिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, 8053918722 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अर्थ लार्जेस्ट एनिमल, अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल, अर्थ का सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है आपसे पूछा गया है, अर्थ का लार्जेस्ट एनिमल। तो आपका ब्लू व्हेल, जो आपकी ब्लू व्हेल होती है ना फ्रेंड्स, वो अर्थ पर सबसे बड़ा एनिमल होता है। अर्थ लार्जेस्ट एनिमल आपका क्या कहलाएगा, ब्लू व्हेल। एनिमल कह लीजिए या फिर अर्थ लार्जेस्ट मैमल कह लीजिए, तो आपका ब्लू व्हेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फीमर होता है ना, फीमर, फीमर हमारी हड्डी होती है, हमारे शरीर में हड्डी होती है जो हमारी टांग में, तो हमारी सबसे बड़ी, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ना वही आपकी फीमर, फीमर ही होता है आपका, तो फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। गोरिल्ला क्या होता है फ्रेंड्स, गोरिल्ला एप में सबसे बड़ा, एप, एप जितने भी होते हैं ना, जितने भी आपके एप होते हैं, एप उनमें सबसे बड़ा होता है। और गिब्बन क्या होता है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट एप, स्मॉलेस्ट एप आपका क्या रहता है फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट एप आपका गिब्बन रहता है। और लार्जेस्ट एप आपका, लार्जेस्ट एप, लार्जेस्ट वो कौन होता है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट एप आपका गोरिल्ला, गोरिल्ला आपका लार्जेस्ट एप रहता है। कोई डाउट है फ्रेंड्स यहाँ तक पूछ सकते हो। ब्लू व्हेल बिल्कुल सही है, श्रीकांता टूडू जी बिल्कुल सही है। हाँ जी, एक बार फ्रेंड्स जितने बच्चे नए आ रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। साइंटिफिक नेम ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, तरबूज का आपको साइंटिफिक नेम बताना है कि तरबूज का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो वाटरमेलन का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है लेनाटूस, लेनाटोस। इसके अलावा एक नाम और आप याद रख सकते हो, सिट्रुलस। इसके अलावा आप क्या नाम याद रख सकते हो, सिट्रुलस,
सिट CITRULL CITRULLUS सिट्रुलस वल्गैरिस सिट्रुलस वल्गैरिस। आप एक नाम ये भी याद रख सकते हो, वाटरमेलन को साइंटिफिक नाम या लेनाटूस कह लीजिए, या सिट्रुलस वेलगेरिस ये कह लीजिए। पायरस मेलस किसका साइंटिफिक नाम है? एप्पल का साइंटिफिक नाम है। एप्पल का साइंटिफिक नाम आपका पैरामुलस होता है। मूसा पैराडिशियम ये आपका बनाना का साइंटिफिक नेम है। मूसा पैराडिशियम ये आपका बनाना का साइंटिफिक नेम है। और आपका सीडियम गोवावा किसका साइंटिफिक नेम होगा? ये तो आपका गोवावा अमरूद का हो जाएगा। साइंटिफिक सीडियम गोवावा साइंटिफिक नेम होगा गोवावा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, लिक्विड क्रिस्टल है, या नन ऑफ दिस? जो आपका ग्लास होता है ना फ्रेंड्स, ग्लास वो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ग्लास ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्लास आपका एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। देखिए जो आपके सॉलिड होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आपका एमोरफस सॉलिड। एमोरफस सॉलिड की कैटेगरी में एमोरफस सॉलिड का एक एग्जाम्पल है ग्लास। देखिए ग्लास जो होता है ना, ग्लास वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हो आप। देखिए जो बहुत सारे बहुत पुराने विंडो पेन जो खिड़कियाँ होते हैं ना, उनका जो ग्लास होता है वो नीचे से थोड़ा सा थिक होता चला जाता है, फ्लो करता है फ्लो। तो ग्लास के पास जो पुराने कांच होते हैं ना, उनमें फ्लो करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो ये आपकी सुपर कूल्ड लिक्विड लिक्विड कह सकते हो आप। लिक्विड क्या होता है? फ्लो करता है। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हो, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 321 का ए आंसर हो जाएगा, 321 का ए आंसर हो जाएगा, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। प्रोसेस बाय विच विल्क इज कन्वर्टेड इनटू द कार्ड इज कॉल्ड, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिससे आपका जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है? दूध जिस प्रोसेस से, हाँ जी ग्लास एमोरफस होता है, ग्लास एमोरफस होता है, लेकिन उसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ग्लास आपका सॉलिड होता है, बिल्कुल ग्लास आपका सॉलिड होता है, लेकिन उसे एक सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। ग्लास के पास टेंडेंसी होती है, अगर बहुत पुराने बहुत टाइम से ग्लास अगर कहीं पर आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करते हो, खिड़की वगैरह में, विंडो पेन में, तो ग्लास जो होता है वो साइडों से नीचे से बॉटम से थिक हो जाता है। थिक हो जाता है क्योंकि ग्लास जो है वो फ्लो करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड आप कह सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द राइट आंसर। 322 का सी आंसर हो जाएगा। 322 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फर्मेंटेशन, प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, दैट इज योर फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू द सी वाटर इट विल, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिंक कंप्लीटली, सिंक अ लिटल बिट, राइज अ लिटल हायर, रिमेन अनअफेक्टेड। देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, जो आपका शिप एंटर कर रहा है फ्रेश वाटर से सी वाटर में, जो आपके सी वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। सी वाटर की डेंसिटी आपकी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से जब शिप पानी में जाएगा ना, तो पानी जो आपका शिप है पानी में जाएगा, समुद्र के पानी में जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा है समुद्र के पानी की, तो वो बायंसी फोर्स ज़्यादा लगाएगा। बायंसी फोर्स, जब भी किसी बॉडी को किसी फ्लूड में डाला जाता है तो वो फ्लूड उस ऑब्जेक्ट पर बायंसी फोर्स लगाता है, जिसे बायंसी कहा जाता है। तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस फ्लूड की, इस पानी की डेंसिटी, जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगाएगा। इस वजह से जो आपका शिप होगा ना, वो थोड़ा सा राइज कर जाएगा, थोड़ा सा राइज कर जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है बार बार। 323 का सी आंसर हो जाएगा, राइज अ लिटल हायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, एंट्रोपी किसकी मेजरमेंट होती है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। हाँ जी एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डर पैरामीटर। तो 324 का ए राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा 324 का। देखिए जो एंट्रोपी होता है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही एंट्रोपी का कंसेप्ट निकल कर आता है। गरम गरम चाय अगर आप कमरे में रखते हो तो उससे हीट निकलती है और सराउंडिंग में जाती है, ये सब एंट्रोपी पर ही बेस्ड होता है। एंट्रोपी, देखिए कोई भी फ्लो हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही होता है,
तो जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी आपकी बढ़ती है उसी डायरेक्शन में आपका एंट्रोपी, उसी डायरेक्शन में आपकी प्रोसेस होती है। अगर गर्म चाय से हीट निकलकर सराउंडिंग में जा रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि एंट्रोपी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। अगर आप गर्म चीज़ से गर्म की गर्म गर्म चाय से हीट निकलकर सराउंडिंग में जा रही है, क्योंकि सराउंडिंग में एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, टोटल एंट्रोपी जो है वो बढ़ती रहेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, जिस वजह से आपकी, यही आपके थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ से निकल कर आता है, सेकंड लॉ से, और ये डिसऑर्डरनेस को मीजर करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आंसर हो जाएगा इसका। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फेज डिफरेंस आपको बताना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। ध्यान रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन होता है? वो मोशन जिसमें आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट के। अगर आप 11th 12th में फिजिक्स कर चुके हो, 11th 12th में फोर्स कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स को, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है। जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होता है ना, वो वेलोसिटी के वैक्टर से 90 डिग्री पीछे होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना वो 90 डिग्री पीछे होता है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्सलरेशन के वेक्टर से 90 डिग्री पीछे होता है। तो एक्सलरेशन से 90 डिग्री पीछे होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी से 90 डिग्री पीछे होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपसे पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी अमन श्रीवास्तव जी, जो 5,000 की है जो आपकी ऐप है, टेक्निकल प्रॉब्लम। देखिए अगर आपकी वीडियो नहीं आ पा रही है तो मैं अपडेट करवा दूंगा, मैं आपकी ऐप को अपडेट करा दूंगा, उसके बाद आप रिफ्रेश कर आप अपनी ऐप को चेक कर लीजिएगा, आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। 5,000 क्वेश्चन की जो ऐप है उसको मैं एक बार अपडेट करा दूंगा, मैं अकेडमी में, उसके बाद आपकी ऐप जो है वो आपकी प्रॉपर चलनी शुरू हो जाएगी, आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर 325 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेज टेक प्लेस ड्यू टू। जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है ना गैसेज में, गैसेज के अंदर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से ही डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन होता क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का फ्लो करना। आप अगर कमरे में कहीं भी छोटी सी भी किसी भी छोटे से होल से भी गैस अगर एंटर करती है ना, तो वो गैस पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ पर फ्लूड जाने की कोशिश करेगा। सॉलिड के केस में आपको डिफ्यूजन नहीं मिलती क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं करते। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 326 का ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, ए पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेकन मोर टाइम। द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एट हाई अल्टीट्यूड। जो पर्सन है जो शिमला में रह रहा है, वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि जो फूड है ना, फूड वो बिना विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम। अगर आप प्रेशर कुकर यूज दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेकन मोर टाइम, द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट। देखिए एल्टीट्यूड, हाइट पे क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज करता है। हाइट पर क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज करता है। तो 327 का बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। थ्री, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। देखिए एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ओस्मोसिस। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ओस्मोसिस। अगर कमरे में कहीं पे भी गैस लीक करती है ना, कहीं कमरे में भी कहीं पे भी छोटी सी गैस भी एंटर करती है, अगर आप अपना डीओ वगैरह या कोई परफ्यूम वगैरह भी स्प्रे करते हो, तो उसकी जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? जहाँ पर भी मटेरियल जहाँ पर भी कम होगा, और एक एरिया में अगर मटेरियल ज़्यादा है, तो कम एरिया की तरफ मटेरियल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कम एरिया की तरफ मटेरियल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसे बोला जाता है डिफ्यूजन। अगर सब्सटेंस पानी हो जाए तो उसे ओस्मोसिस कहा जाता है। डिफ्यूजन सभी दुनिया की हर चीज़ के लिए जो फ्लो कर रही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर सब्सटेंस पानी है ना, तो उसे ओस्मोसिस के थ्रू दिखाया जाता है। फ्रेंड्स कोई डाउट है पूछ सकते हो यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। वाइटामिन सी का नाम क्या? देखिए वाइटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम रहता है वाइटामिन सी का। जो साइंटिफिक नेम रहता है फ्रेंड्स,
एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड होता है फ्रेंड्स। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना है फ्रेंड्स? लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर देखिए 0 केल्विन, 0 केल्विन भी आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आप लोएस्ट पॉसिबल कंसीडर कर सकते हो, लोएस्ट पॉसिबल कंसीडर कर सकते हो। हाँ जी, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन। अगर आप डिग्री सेल्सियस की टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो -273, -273 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा, 329 का ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी फ्रेंड्स चैडविक ने। चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को 1932 में। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, 1932, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका सी आंसर हो जाएगा, 330 का सी आंसर हो जाएगा। इफ द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको फोकल लेंथ बतानी है लेंस की क्या होगी। देखिए पावर दे रखी है आपको 2 डायोप्टर, पावर दे रखी है आपको 2 डायोप्टर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पावर क्या होता है? 1/ में फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/ में पावर, 1/ में पावर, पावर कितनी है? 2, 2। फ्रेंड्स ये जो आंसर निकल कर आएगा ना, फोकल लेंथ मीटर में निकल कर आएगी, ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ये जो फोकल लेंथ निकल कर आएगी ये मीटर में निकल कर आएगी, आपको लेना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लेना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50, 2/50 पे कैंसिल हो गया, 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो यानी कि वो कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। वो ये भी कह सकता है कि पावर पॉजिटिव किस लेंस की होती है, कन्वेक्स की या कनकेव की? तो पॉजिटिव पावर रहती है आपकी कन्वेक्स लेंस की। तो अगर कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव है तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक उसी तरह कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, उसकी फोकल लेंथ भी क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। हाँ जी, डायोप्टर क्या होता है? पावर की यूनिट को डायोप्टर में मेजर किया जाता है। जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इनकी जो पावर होती है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर को तो वोट में मेजर करते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर को किस में मेजर करते हैं? वोट, WAT। लेकिन जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी पावर कितनी है उसको यूज उसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है। हाँ जी, उसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 331 हो गया हमारा। अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज, जो आपका पंखा होता है ना पंखा, वो आपको कंफर्ट फीलिंग देता है ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब गर्मी होती है ना गर्मी, और आप पंखे को चला देते हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेसिकली ये है, जब पंखा चलता है ना आपको जो गर्मी पसीना जो आ रहा होता है, तो पंखे से क्या निकलती है? पंखे से जो हवा आ रही होती है, पंखे के वजह से, पंखे के सर्कुलेशन की वजह से कमरे की हवा हमारे पास जब आती है तो वो हवा हमारे पसीने को, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। वो क्या करती है फ्रेंड्स? एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। तो वो पसीना, पसीना जो पहले पानी की फॉर्म में था वो एयर में वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। अब पानी, पानी जो है फ्रेंड्स, पसीना जो है पहले पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में था, वो वेपर में गया है, तो वो हीट लेके जाएगा, ऐसे नहीं जाने वाला। तो वो हीट कहाँ से लेगा? हमारी बॉडी से लेगा। तो वो जो स्वेट था, जो पसीना था, वो हमसे हीट लेकर जाएगा, हवा में मिल जाएगा, हवा में वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। और हमें क्या लगेगी? जब हमारी बॉडी से हीट निकाली जाएगी तो हमें थोड़ा ठंडा फील होगा, हमें कंफर्टेबल फील रहता है। तो इसका जो हमारे प्रेस्पारेशन या फिर आपका जो स्वेट है, स्वेट वो इवेपोरेट होता है बहुत तेजी से, रैपिडली इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है रैपिडली, बहुत तेजी से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब फॉर शेविंग विच टाइप ऑफ मिरर यूज, शेविंग के लिए आप किस तरह के मिरर को यूज करते हो? देखिए आपको शेविंग करते वक्त ऑब्जेक्ट्स आप चाहते हो बड़ी, आपको अच्छे से प्रॉपरली, आपको प्रॉपरली दिखाई दे, तो कनकेव मिरर बड़ी इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज फॉर्म करेगा, कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज फॉर्म करेगा। प्लेन मिरर कितनी बनाता है? प्लेन मिरर जितनी आपकी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बना देता है। तो मुझे, अगर मैं शेविंग कर रहा हूँ, अगर कोई इंसान शेविंग कर रहा है और वो अपनी इमेज को देखना चाहता है, खुद को देखना चाहता है, तो वो बड़ी शेप देखना चाहेगा, तो वो यूज़ करेगा कनकेव मिरर। 333 का ये आंसर हो जाएगा।
कोई डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है साथ के साथ पूछ लीजिए फ्रेंड्स, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं साथ के साथ पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इको इज प्रोड्यूस बाय द साउंड वेव ड्यू टू, इको किस वजह से प्रोड्यूस होती है? सिंपल सी बात है, इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से इको प्रोड्यूस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 394 का ए हो जाएगा, RRB ड्राइवर 2002 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पेंडुलम वॉचिज बिकम स्लो डाउन इन द समर, जो आपकी घड़ी होती है ना घड़ी, वो स्लो हो जाती है समर में, समर में घड़ी स्लो हो जाती है, क्या कारण है? देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, 2π√L/g, 2π√L/g, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और पूछ भी लिया जाता है बार बार एग्जाम में। तो 2π√L/g, जब गर्मियाँ आएंगी ना गर्मियाँ, तो आपका क्या होगा, आपका मेटल का एक्सपेंशन होगा, जो आपने पेंडुलम यूज़ किया है ना, पेंडुलम जो यूज़ किया जिसकी लेंथ एल है, तो वो किसका बना होगा, वो आपका मेटल का बना होगा। मेटल क्या करता है, एक्सपेंड करता है, जब गर्मियाँ आएंगी ना तो मेटल एक्सपेंड करेगा, तो लेंथ अगर आपकी बढ़ती है, एक्सपेंड करेगा लेंथ बढ़ती है, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड मतलब जो टाइम पहले 2 सेकंड में 3 सेकंड में हो रहा था, अब वो टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम में होगा, वो आपका काम जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम में होगा, पहले जो काम था कुछ ही सेकंड्स में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय 760 mm कोलम ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द 760 mm कोलम, 760 mm कोलम ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 760 mm का जो प्रेशर लगता है ना, वो 1 एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर ही लगता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एटमोस्फेयर, 336 का बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की जो डायमेंशन होती है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दे, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर डालकर फिर उसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके बाद उसका आंसर मेंशन करें। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन, जो ये प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, देखिए ई इज इक्वल टू में एच मल्टीप्लाइड बाय म्यू, ये आपका ई क्या रहता है, एनर्जी रहता है, एच क्या रहता है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, और ये म्यू क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी, ये म्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका E अपॉन में म्यू ये क्या बन जाएगा, आपका H बन जाएगा, E की यूनिट क्या रहती है, जूल, जूल, और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम, तो जूल, और ये फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर जाए तो जूल, इसका उल्टा होता है 1/s, 1/s, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/s, तो 1/1, 1/1 यहाँ सेकेंड, तो जूल सेकेंड, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लैनेक्स कॉन्स्टेंट की यूनिट। अब आपकी जूल सेकेंड लीनियर, जूल सेकंड क्या होती है, जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, ध्यान रखिएगा आपका जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, और साथ में क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये आपका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड, ध्यान रखिएगा किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड, एक मीटर आपका यहाँ से भी रह गया फ्रेंड्स, ये देखिए एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ इसे, ये आपका न्यूटन मीटर सेकंड, तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड में, ये आपका मीटर पड़ा होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड, एक सेकंड से आपने सेकंड को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये किसका डायमेंशन निकल कर आया, एच का डायमेंशन, एच का फॉर्मूला निकल कर आया। यहाँ पे अगर आप लीनियर मोमेंटम की बात करते हो, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये निकल कर आया, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता तो राइट आंसर होता, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम MVR, एंगुलर मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो मास, मास का हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड, और R का हो गया मीटर, तो यहाँ से देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा है आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही आपका प्लैनेक्स कॉन्स्टेंट का आया, और यही आपका किसका निकल कर आया, एंगुलर मोमेंटम का। अगर मैं फोर्स का निकालता हूँ, फोर्स का तो सिंपली क्या होता है, फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का होता है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड सिंपल चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और जूल के लिए क्या लगता है, न्यूटन मीटर, जूल के लिए न्यूटन मीटर, लेकिन आपके लिए क्या लग रहा है, आपके लिए न्यूटन मीटर साथ में सेकंड भी होना चाहिए, तब यूनिट सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दे फ्रेंड्स, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डालकर उसके बाद आंसर मेंशन करें। चलिए नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फ्लोविंग इज द नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सी आपकी टाइम की यूनिट नहीं है? तो लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है फ्रेंड्स, लीप ईयर एक साल में 366 दिन का लीप ईयर होता है, 366 दिन का क्या रहता है, लीप ईयर रहता है, जिसमें आपके फरवरी में 2829 दिन होते हैं। तो ये आपका ईयर, ये भी वक्त बता रहा है। लुमिनर मंथ, लूनार मंथ, लूनार मंथ आपका 28 दिन का होता है, लूनर मंथ कह लीजिए 28 डेज का जो आपका मंथ होता है, 28 डेज का जो आपका मंथ होगा उसे लूनर मंथ कहेंगे। लाइट ईयर क्या होता है, ये भी आपकी टाइम की यूनिट हो गई, तो ये बी भी कट गया। अब लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ने एक साल में, एक साल में वैक्यूम के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे लाइट ईयर कहा जाता है। और ये बेसिकली किसके बराबर होता है, 9.40 × 10^12 किलोमीटर, 9.40 × 10^12 9.46 × 10^12 मीटर फ्रेंड्स, किलोमीटर, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ये 9.46 × 10^12 किलोमीटर, ये यूनिट रहती है, ये होता है एक लाइट ने एक साल में जितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर आपकी ये टाइम की नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये टाइम की यूनिट नहीं है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट मैच, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। देखिए डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड, बिल्कुल सही है, साउंड को जो डेसिबल में ही मापा जाता है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर यूनिट होती है पावर की, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितना होता है फ्रेंड्स, एक हॉर्स पावर 740 वोट के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर 740 वोट के बराबर होता है। नोटिकल माइल इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, जो माइल होती है ना माइल, वो भी आपका डिस्टेंस किसका रहता है, डिस्टेंस का यूनिट रहता है, 1.61 एक माइल आपका 1.61 किलोमीटर के बराबर रहता है फ्रेंड्स, एक माइल आपका कितना 1.61 किलोमीटर के बराबर रहता है। सेल्सियस, सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट होती है, यहाँ पर हीट की दे रखी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। हमने नोट मैच वाला क्वेश्चन ढूंढना था जो मैच नहीं मिलता, तो 339 का डी आंसर होगा, सी नहीं होगा अविनाश जी, सी नहीं होगा, 339 का सी नहीं होगा। सेल्सियस हीट की जो यूनिट रहती है वो जूल होती है, सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट रहती है, तो ये मैच नहीं कर रहे, ये मैच नहीं कर रहे, तो यही पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन ऑलवेज, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल से गिरती है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल से गिरती है फॉलिंग मोशन हैविंग, तो उसकी जो एक्सलरेशन रहती है ना वो कॉन्स्टेंट रहती है, उसके पास जो एक्सलरेशन रहेगी ना वो इक्वल रहेगी हर पॉइंट पर, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में नीचे गिर रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ फर्स्ट मूविंग फर्स्ट कमिंग बॉल, फास्ट कमिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड्स बैक, जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर होता है जब किसी बॉल को कैच करता है, लेदर की बॉल को बेसिकली कैच करता है, तो वो अपने हाथ को पीछे लेकर जाता है, पुलिंग हिज हैंड्स बैक, इसका क्या कारण है, अगर वो हैंड को पीछे लेके जाता है तो जो फोर्स का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जब आपका जो अभी आपका बॉल है जब आपके हाथ पर या हाथ पर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करती है, अगर आप उसका टाइम इंक्रीज कर देते हो, टाइम इंक्रीज कर देते हो, तो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो इम्पैक्ट अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा फोर्स। तो यानी कि अगर फोर्स कम करना है तो इम्पैक्ट, ये अगर आप क्या इम्पैक्ट कम करना चाहते हो, टाइम, टाइम अगर आपने बढ़ा दिया तो फोर्स आपका कम लगेगा, तो क्यों, बाल कैन एग्जर्ट ए लार्जर फोर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यों करता है वो, क्योंकि जो बाल करती है ना बॉल बहुत बड़ा लार्ज फोर्स एग्जर्ट करती है, तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 341 का सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, जो न्यूक्लियर फोर्स है ना वो किन किन के बीच में एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटोन प्रोटोन के बीच में एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एग्जर्ट करता है, और प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच में एग्जर्ट करता है। प्रोटोन न्यूट्रॉन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है फ्रेंड्स, नेचर में चार ही फोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार तरह के फोर्स है, बाकी दुनिया में जितने भी फोर्सेज है वो इन्हीं से ही ड्राइव किए गए हैं, इन्हीं से ही निकाले गए हैं। तो बेसिकली ये तीन तरह के फोर्स होते हैं, आप ये चार तरह के फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार तरह के फोर्स आपको ध्यान रखने हैं नेचर में जो पाए जाते हैं। फॉर द पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो एक्सलरेशन होगी ना पार्टिकल की वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, अलोंग द रेडियस, वो अलोंग द रेडियस कहलाएगा, अलोंग द रेडियस कहलाएगा, क्योंकि सर्कुलर है। तो 343 का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 343 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इट मूव विद, अगर किसी बॉडी का मास कितना है 1 kg, फोर्स उस पर कितना लग रहा है 1 न्यूटन, देन उसकी स्पीड निकाल लीजिए या फिर एक्सलेशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इजिकल टू में एम इंटू में ए, एफ कितना दे रखा है उसने 1, तो मास उसने दिया आपको 1 kg, आपकी यहाँ से क्या निकल जाएगी एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कितनी आ गई 1 m/s², 1 m/s², इसकी एक्सलरेशन आ चुकी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 344 का डी इज द राइट आंसर। किसी तरह का डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। चलिए, यूज़ ऑफ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का यूज़ क्या होता है, थर्मोस्टेट जो आप यूज़ करते हो बेसिकली, थर्मोस्टेट का यूज़ क्या रहता है, टू कीप द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना ही थर्मोस्टेट का काम रहता है, तो 345 का सी आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना ही आपका थर्मोस्टेट का काम रहता है, 345 का सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो बिकॉज ऑफ, जो काउ मिल्क का जो कलर है, जो दूध, जो गाय का जो दूध होता है वो हल्का सा पीला होता है, क्यों, इसका क्या कारण है, इसका कारण है फ्रेंड्स कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से, ये SSC में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैरेटीन की वजह से जो दूध का थोड़ा सा रंग होता है ना, दूध का थोड़ा सा रंग होता है वो येलो हो जाता है, स्लाइटली येलो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्गन इन विच RBC फॉर्म्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है जिनका लाइफ स्पैन 120 से 125 दिन का होता है, वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर बनती है, इन विच फॉर्म्स इन द ह्यूमन बॉडी, मेरा बता दीजिए, यहाँ पर देखिए इसका ऑर्गन इन विच RBC फॉर्म्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो RBC रेड ब्लड्स, बोन मैरो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी, 347 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 347 का डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, कोई डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हो। कैरोटीन की वजह से दूध का थोड़ा येलो कलर होता है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के, ये जो सॉरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो RBC बनती है वो बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में, और स्प्लिन में मर जाती है, स्प्लिन में मरती है, इसलिए स्प्लिन जिसे प्लीहा कहा जाता है, तो ग्रेवयार्ड किया जाता, कहा जाता है कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान स्प्लिन कहलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी पूछ लेते हैं, और बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है, RBC जो हमारी बॉडी में बनती है वो बोन मैरो के अंदर बनती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 347 का डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे, ये ए बी ग्रुप, ए ग्रुप हो गया आपका, बी ग्रुप हो गया, ओ ग्रुप हो गया, ए बी ग्रुप हो गया, ये सारे ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे, ये लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किए थे, दीज आर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर। हाँ जी, कोई डाउट है फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, हाइड्रोजन बम बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पर, हाइड्रोजन बम बेस्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पर, 349 का ए इज द राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन विच वी फील हंगर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द फूड, वो ब्रेन का पार्ट बता दीजिए जहाँ से हम फील करते हैं भूख, जहाँ से हम लोगों को फूड की सेटिस्फेक्शन की, हमारा पेट भर गया है या हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं फूड से, तो वो पार्ट क्या होता है, वो पार्ट आपका कहलाता है हाइपोथैलमस, जो आपको भूख प्यास लगती है, भूख प्यास लगती है, फीलिंग हंगरी, जो आपका फूड, जो आपको लगता है कि हाँ मेरा पेट भर चुका है, खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये सेटिस्फेक्शन, ये सब हाइपोथैलमस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना फ्रेंड्स, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलमस का ही होता है, ध्यान रखिएगा, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसे भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलमस ही करता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, कल फिर आपकी साइंस की क्लास कंटिन्यू की जाएगी, यहाँ पर हमने 350 तक क्वेश्चंस कवर किए हैं, कल हम 350 से आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे, और अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं तो आप सुबह गेट IAS की क्लास ले सकते हैं 9:20 पर, इसरो एग्ज़ाम गेट और IAS, और अगर आप SSC JEE के लिए तैयार कर रहे हैं मैकेनिकल फील्ड से, तो रात को 10:30 पर लाइव आ जाइएगा, कल शाम को 10:30 पर, कल रात को 10:30 पर लाइव आ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, एंड गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू।